आज मैं कुंदन कुमार क्लास एट की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं नाउन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एन की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर चलूँगा। अभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर एन को बनाया कैसे जाए। जैसे कि अभी आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया गया है कि सर्किल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें सही ऑप्शन है उसको सर्किल करने हैं, जो सारे सेंटेंसेज अभी आपके निम्नलिखित सेंटेंसेज जो दिए गए हैं इसमें। अभी आप देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। कहते हैं डू यू लाइक टू प्ले बिलार्ड या बिलार्ड्स। अभी आपको पता होगा बिलार्ड्स एक प्रकार का खेल है जिसमें हमेशा एस लगा ही रहता है, इसलिए सही रूपों में इसको इसने सर्कल कर दिया है। क्या आप बिलार्ड्स खेल खेलना पसंद करते हैं, इसलिए बिलार्ड्स में इसमें सर्कल कर दिया। सी इज वियरिंग स्पेक्टेकल या स्पेक्टेकल्स, तो वह क्या पहन रही है, तो एक स्पेक्टेकल्स पहन रही है। और आप इतना जान लीजिए कि जब कोई भी वस्तु जो एक दूसरे के बिछुड़ जाने के बाद, एक दूसरे के टूट जाने के बाद वो बेकार हो जाता है, हमेशा उसमें लगने वाला वर्ड हमेशा पुल्लर लगता है और इसमें हमेशा एस का यूज़ किया ही जाता है। इसलिए स्पेक्टेकल्स क्या है, तो एक प्रकार का चश्मा है, इसलिए इसमें इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें एक सर्कल लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब कहता है क्या कि हीज प्लायर्स प्लायर आर ब्रोकन। ये प्लायर्स मतलब क्या होता है, जो कि आपको ही पता होगा प्लायर्स मतलब होता है चिमटा। क्लियर, इससे चिमटा जो है वो हमेशा दो के साथ ही आता है, जुड़वा ही रहता है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्लायर्स वर्ड में लगा देंगे सर्कल। कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन या द सन। आपको पता होगा कि जब भी कभी जो कोई हेवनली बॉडीज है इसमें लगने वाला वर्ड हमेशा आर्टिकल द लगता ही लगता है, इसलिए इसमें आप द लगाएं, क्योंकि कहता है कि पृथ्वी जो है वो किसकी परिक्रमा करती है, सूरज की परिक्रमा करती है, इसलिए द सन यहाँ लगेगा। ही सेंट अ वर्ड ऑफ थैंक्स या थैंक थ्रू मी। कहता है कि उसने एक वर्ड थैंक्स के रूप में मेरे द्वारा ही भेजा। तो भैया देखते हैं क्या कि यहाँ जो थैंक्स है, यहाँ थैंक्स वर्ड ही लगता है, थैंक नहीं लगता, हमेशा थैंक्स ही लगता है, इसलिए थैंक्स में इसको आप सर्कल कर दें। हिज शॉर्ट या शॉर्ट्स आर स्टेंट। अभी यहाँ जो शॉर्ट्स जो वर्ड है जो छोटी सी जंघिया टाइप का होता है, तो इसलिए यहाँ जो शॉर्ट्स है ये शॉर्ट्स वर्ड क्या लगे, हमेशा शॉर्ट्स ही लगेगा, SHORTS। क्लियर, चलिए छोटा पैंट जो आता है उसी को शॉर्ट्स कहते हैं। द फोनिक्स राइजेस फ्रॉम द एस एसेस। अभी आपको पता होना चाहिए कि एस एसेस इसका मतलब राग होता है, ये हमेशा ई एस लगा ही रहता है, इसलिए इसमें एसेस में ई एस वाले में आप सर्किल कर दें। आई एंजॉय स्टडिंग अबाउट मशीन्स या मशीन। अभी आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय, बहुत आनंदित आनंद का अनुभव करता हूँ जब जिस समय मशीन्स के बारे में स्टडी करता हूँ, इसलिए अभी आप देखेंगे क्या है कि मशीन्स वर्ड में हमेशा मशीन्स ही लगाएं या मशीन ना लगाएं, क्योंकि मशीन मतलब एक की बात होगी या मशीन्स मतलब मोर देन वन की बातें होगी। दे बॉट सम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक रिसेंटली। भी आपको पता होगा कि वे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हाल ही में खरीदें। तो अभी आप देखिए क्या कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप हमेशा समझें कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सामान से संबंधित है। वी शुड डिस्करेज पीपल फ्रॉम गिविंग आर्म्स। आर्म्स जो है वो क्या है, एक प्रकार का भीख है, इसलिए मैं आर्म्स जो वर्ड है हमेशा ALMS के साथ ही आता है। क्लियर, चलिए कहता है व्हाट आर द मीन्स, या मीन्स साधन की बात हो रही है, यहाँ मीन्स वर्ड हमेशा मीन्स ही लगता है। कहता है कि व्हाट आर द मीन्स टू मेक मोर मनी। कहता है क्या ऐसे क्या साधन होते हैं जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। हर मैनर्स, यहाँ मैनर्स है जिसका मतलब जो अभी आप जानते हैं कि हर मैनर्स है, या मैनर्स वर्ड ही लगाएं, हर मैनर्स आर इम्पेक्सेबल, इसलिए अभी आप देखेंगे दीज डार्ट्स, यहाँ डार्ट्स है, यहाँ डार्ट्स ही लगाएं जिसको बर्छी के नाम से जानते हैं। कहते हैं दीज डार्ट्स आर ब्लंट, ये सारे जो डार्ट्स हैं वो क्या है, ब्लंट हैं। कहते हैं राइस या राइसेस इज फूड ग्रेन। अभी आपको पता होना चाहिए कि राइस है, राइस क्या है, तो एक अनकाउंटेबल नाउन है और जो कि एक मटेरियल नाउन के रूप में आता है, तो राइस इज अ फूड ग्रेन, इसलिए राइसेस नहीं लगाकर राइस वर्ड ही लगाएं, यहाँ राइस वर्ड ही सही होगा। इस पे थोड़ा सा मैं आगे की ओर खिसकाता हूँ। चलिए अभी आप देखेंगे 40 नंबर पे। कहते हैं कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिक इज़ माय फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। यहाँ पॉलिटिक्स वर्ड लगाएं क्योंकि पॉलिटिक वर्ड नहीं लगता, पॉलिटिक्स लगता है। कहता है कि पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, तो हमारे जो मेरा एक फेवरेट डिस्कशन का एक फेवरेट टॉपिक है, इसलिए पॉलिटिक्स में आप क्या लगाएं, सर्कल लगा दें। दे आर प्लेइंग कार्ड्स इन द गार्डन, यहाँ कार्ड्स ही लगाएं ना कि कार्ड लगाएं। वे लोग क्या कर रहे हैं, गार्डन में कार्ड्स खेल रहे हैं। व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड इफ़ वी कंटिन्यू टू पॉल्यूट आवर सराउंडिंग्स। कहता है क्या क्या होगा इस दुनिया में
जब हम लगातार हम अपने सराउंडिंग्स को प्रदूषित करेंगे, तभी आप देखेंगे क्या कि यहाँ जो वर्ड है, यहाँ हम द वर्ल्ड लगाएंगे, यहाँ जो वर्ल्ड जो आप देख रहे हैं द वर्ल्ड लगा दें, या वर्ल्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी लैंडिंग्स इज़ व्हाट वी से टू ऑल पायलट्स, यहाँ जो देखते हैं लैंडिंग्स लगता है, नहीं कि लैंडिंग। क्लियर? चलिए, इसमें कुछ लोग हैप्पी लैंडिंग्स के साथ ही लगा देंगे, हालांकि वो भी सही है, या लैंडिंग्स भी लगा के छोड़ देंगे, वो भी सही है। हर लगेज वॉज हैंडेड बैक टू हर बाई द कस्टम्स ऑफिसर, यहाँ देखते हैं यहाँ जो लगेज ही लगता है, नहीं कि लगेजेज, लगेज जो वर्ड है ये लगेज ही लगाएं। क्लियर? चलिए, इसी के बाद अब हम वो नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वो नंबर में क्या कहता है, री राइट दिस सेंटेंसेज यूजिंग द प्लुरल फॉर्म ऑफ द नाउंस, ये जो सेंटेंसेज दिए गए हैं आगे, इसमें सारे सेंटेंसेज में प्लुरल फॉर्म्स यूज़ करने हैं नाउंस का। देखते जैसे दिस गैस इज टॉक्सिक, गैस का प्लुरल गैसेस लगा दिया, और टॉक्सिक तो टॉक्सिक है, जब जैसे गैसेस लगा दिया तो यहाँ गैसेस मोर देन वन की बातें हो रही है, तो गैसेस प्लुरल, तो यहाँ आर वर्ड लगा दिया गया। इसी के जस्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि विच कंट्री है, तो कंट्री का प्लुरल क्या बनेगा, कंट्रीज, इसलिए भी आप यहाँ कंट्रीज यहाँ लिखें, COUNTRIES। विच कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स, कहता है कि कौन कंट्री जो कि ओलंपिक, इस ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी या करेगा। इसलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलता हूँ कि इसलिए कंट्री का प्लुरल कंट्रीज हो गया। दिस बिल्डिंग हैज़ वन स्टोरी, सबको पता होना चाहिए कि दिस बिल्डिंग है, तो दिस बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स का जैसे ही बनाएंगे तो बिल्डिंग्स का प्लुरल बिल्डिंग्स हो जाएगा, BUILDINGS, और जैसे दिस का प्लुरल दीज हो जाएगा। कहते हैं दीज बिल्डिंग्स, जैसे ही दीज बिल्डिंग्स लगा तो मोर देन वन की बातें हो गई, तो यहाँ हैज की जगह हैव लगेगा। क्लियर? तो दीज बिल्डिंग्स हैव वन स्टोरी। अब लगे क्या कि द वास्प बीट द बेबी, यहाँ वास्प है, वास्प जो कि कीड़ा है, इसलिए द वास्प लगाएं इसको आप, WASPS, द वास्प बीट द बेबीज, यहाँ बेबी का प्लुरल बेबीज लगा दें, BABIES। चलिए, सीप जॉन टीट फिश, द सीप जो है, जो भेड़ है वो मछली नहीं खाता, फिश जो है इसमें फिश का फिश भी छोड़ सकते हैं, और सीप तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि सीप सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ फिश का फिश भी छोड़ सकते हैं, या इच्छा अगर है तो फिशेज भी लगा दें। फिश और फिशेज में कोई खास का अंतर नहीं होता, फिश जो है वो सेम काइंड्स ऑफ फिश की बातें हो रही है, फिशेज जैसे ही लगा देंगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश की बात हो जाएगी। द गूज सैट ऑन द बैक ऑफ एन ऑक्स, यहाँ गूज है, गूज का प्लुरल क्या बनेगा, गीज, GEESE। द गीज सैट ऑन द बैक ऑफ एन ऑक्स, ऑक्स तो ऑक्स का प्लुरल क्या होता है, ऑक्सन, इसलिए हम ऑक्सन लगा दें। गीज है वो कहाँ बैठा, तो एक ऑक्सन की पीठ पे जाके वो बैठा। माई ब्रदर इन लॉ स्माइल्ड एट अ पासर बाई, अभी आप इसको कैसे बनाएंगे, तो माई ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर, ब्रदर का प्लुरल ब्रदर्स हो जाता है, तो माई ब्रदर्स इन लॉ स्माइल्ड एट पासर्स बाई, यहाँ पासर्स लगा दे, PASSERS। क्लियर? PASSERS लगा दें, पासर्स। अब कहते हैं हर्ड स्टेप ब्रदर हायर्ड मेल सर्वेंट, यहाँ यहाँ स्टेप ब्रदर्स लगा दें, इसी में एस लगा दें, स्टेप ब्रदर्स हायर्ड अ मेल सर्वेंट है, तो यहाँ मेल सर्वेंट का प्लुरल क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स लगा दें, SERVEVANTS, सर्वेंट्स हो गया। अब कहता है कि द गर्ल इज सच अ डॉर्माउस, अगर द गर्ल है तो यहाँ क्या लगा देंगे, द गर्ल्स के जैसे गर्ल्स लगा तो आर सच, और डॉर्माउस है तो डॉर्माउस का पुडल क्या हो जाता है, DORMICE, डॉर्माइस बनता है, द गर्ल्स आर सच डॉर्माइस, DORMICE। क्लियर? इस प्रकार से बनाएं। कहता है माई टूथ ब्रोक वेन आई स्टम्बल्ड, कहता है क्या कि मेरा जो दांत है, तो माई टूथ है तो टूथ का प्लुरल टिथ, टिथ, ब्रोक वेन आई स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड का मतलब क्या होता है, ठोकर खाना, STUMBLED। कहता है कि मेरी दांत ही सारे टूट गए जब मैंने ठोकर खाई। क्लियर? इसलिए तो माई टिथ ब्रोक वेन आई स्टम्बल, टूथ का प्लुरल टिथ, इसलिए ऐसे करके इसको आप बनाएं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे
देख सके। और इसे पीछे वाला भी वीडियो मैं बना के रखा है, उसे भी आप अवश्य ही देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर सीख सके। क्लियर? थैंक्स अ लॉट।